मंगलाचरण करते हैं भागवत को प्रारंभ करते हुए, और मंगलाचरण में ही भगवान शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत का वर्णन करते हैं। महर्षि व्यास जन्माद्यशयतो न्वयादितरतस्यार्थे स्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ते यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य का हम सभी लोग ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। परम सत्य, यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, श्री राम का नहीं लिया, भगवान शिव का नहीं लिया, भगवती का नहीं लिया, गणपति का नहीं लिया, परम सत्य को प्रणाम करते हैं। क्यों? जिसके जो इष्ट हैं, या परम सत्य परमात्मा जो सर्व रूप में बैठा है, खाली इष्ट के रूप में नहीं, यहाँ पर जो परमात्मा का वर्णन है वो व्यापक परमात्मा का वर्णन है। जो लक्षण बताए जाएंगे तटस्थ लक्षण स्वरूप रक्षण के माध्यम से व्यापक परमात्मा का वर्णन है। अभिप्राय हमारा सनातन धर्म कहता है हमारा परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, केवल श्री राम श्री कृष्ण के रूप में नहीं, आपके हमारे अंदर भी चैतन्य रूप से जो परमात्मा व्याप्त है, ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम सभी लोग ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बोले महाराज उस परमात्मा का कुछ तो निर्वचन करिए, कुछ तो व्याख्या करिए, किस परमात्मा को आप प्रणाम कर रहे हैं, न किसी का नाम लिया न किसी का रूप लिया। तो कहते हैं अन्वयाद तर्थश्चा अर्थेशु अन्वयात अर्थेशु कार्येशु भाव पदार्थेशु अन्वयात। भाव पदार्थ में जो अन्वित है, क्योंकि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कार्य कारण निश्चय, जो भाव पदार्थों में अन्वित है, भाव पदार्थ माने जिसमें अस्थि लग जाता है, ये है ये है ये है, व्यक्ति है वस्तु है मकान है दुकान है गाड़ी है, इसमें जो परमात्मा व्याप्त है, तो अन्वय माने जो सर्वत्र व्याप्त है, और व्यतिरेक माने अभाव। अब यहाँ पर बड़ी विलक्षण बात है, परमात्मा का अभाव कहाँ दिखाएंगे, और बिना अन्वय व्यतिरेक के कार्य कारण का निश्चय होता नहीं। हमारे महर्षियों ने ऐसी युक्ति निकाली, बोले हम दो तीन जगह ऐसे जानते हैं जहाँ परमात्मा नहीं है। क्यों चतुर्वेदी जी? दो तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ भगवान नहीं है। बोले कहाँ नहीं है? बोले बंध्या पुत्र में नहीं है, आकाश कुसुम में नहीं है, शस श्रृंग में नहीं है। आप समझ गए बात? बंध्या का पुत्र होता ही नहीं तो भगवान कहाँ से होंगे उसमें। ऐसी जगह अभाव दिखाया जो वस्तु होती ही नहीं। शस श्रृंग, शस माने होता है खरगोश, मगर मृगेंद्र सिंह के फार्म में तो बहुत सारे खरगोश हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा खरगोश के सींग होते हैं? हाँ ना, देखो आपको ही बोलना पड़ेगा, कल से शर्त है। खरगोश को सींग होते? नहीं होते। हम कहते हैं खरगोश के सींग में परमात्मा नहीं है, मतलब अरे जो सींग है ही नहीं तो परमात्मा रहेगा कहाँ से? ये महात्माओं के कहने का तरीका। सश्रृंग माने खरगोश के सींग में परमात्मा नहीं है, और आकाश कुसुम, आकाश कुसुम माने आकाश में दिखाई देने वाला फूल। आकाश में फूल होते हैं, पुष्प होते नहीं होते? तो जो वस्तु का अत्यंता भाव है, तीन काल में जो नहीं है, वहां परमात्मा का व्यतिरेक दिखा दिया, और इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा परब्रह्म परमात्मा को इस संसार का अभिन्न अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध कर दिया। जन्माद्यस्य यतः यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति। यतः परमात्मनः अस्य विश्वस्य जन्मादि, जन्म स्थिति प्रलयः। जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और जिसमें लीन हो जाता है। आप कहेंगे हमने तो देखा नहीं परमात्मा ने कब दुनिया बनाई, परमात्मा में है, परमात्मा में लीन हो जाएगी।
हमारे शास्त्र में एक सूत्र है, ये पहला जो श्लोक है ना मंगलाचरण, वेदांत का है, अद्वैत सिद्धांत का है, इसमें सारे भागवत का सार है। तो कहते हमने तो देखा नहीं भगवान ने दुनिया कब बनाई, भगवान में रहती, भगवान में लीन हो जाएगी, किसने देखा? तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, व्यष्टि और समष्टि करके समझ लेना चाहिए। जब आप रात्रि में सो जाते हैं तो आप भी एक दुनिया बनाते हैं, एक संसार बनाते हैं, स्वप्न में बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं ना। आप अपने कमरे में पलंग में सोए हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया बन गई, नगर बन गए, ट्रेन बन गई, हवाई जहाज बन गई, समुद्र बन गया, सब कुछ बना कि नहीं बना? और जब तक स्वप्न देखते रहते उसमें खेलते रहते हैं, जब आपने दुनिया बनाई तो आप ब्रह्मा बन गए, और जब तक उस दुनिया को देखते रहे, स्वप्न को देखते रहे, आप विष्णु भगवान बन गए, और जागने के बाद उस दुनिया को संहार किया कि नहीं किया? जागने के बाद वो कोई गाड़ी मकान दुकान रहता है? हाँ? नहीं रहता ना। तो जो दुनिया को संहार कर दे कौन हुआ? शंकर भगवान। तो आप तीनों होते हैं कि नहीं होते? स्वप्न बनाया आप ब्रह्मा बन गए, स्वप्न को देखते रहे खेलते रहे विष्णु भगवान बन गए, स्वप्न को नष्ट कर दिया जागने के बाद आप भगवान शंकर बन गए। ऐसे ही आप एक छोटी दुनिया बनाते हैं, भगवान सारा ब्रह्मांड बनाते हैं। जन्माद्यस्य यतः, भगवान इस परब्रह्म परमात्मा इस दुनिया का भिन्न निमित्तोपादान कारण। एक बात और बड़ी सुंदर है वेदांत का जो शब्द है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। उपादान कारण कहते हैं मटेरियल को, निमित्त कारण बोलते हैं बनाने वाले को। जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी सोने की हार है, अंगूठी है, चैन है, तो अंगूठी में जो सोना है वो उपादान कारण माने मटेरियल, और जो बनाने वाला कारीगर है वो निमित्त कारण। तो चेन या अंगूठी में बनने के लिए सोना मटेरियल चाहिए, बनाने वाला कारीगर चाहिए। और हमारे वेदांत ग्रंथों में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, माने दुनिया के प्रति भगवान ही उपादान कारण है और भगवान ही निमित्त कारण है। और इसको सरल करें, दुनिया को बनाने वाला भी भगवान है और दुनिया के रूप में बनने वाला भी भगवान है, माने बना भी भगवान है और बनाया भी भगवान है, माने ये सारी दुनिया किसका रूप हो गई? किसका रूप हो गई? तो अब तो किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे ना। हाँ ना, तो बोलो, अगर भगवान का रूप है तो गाली देना चाहिए नहीं देना चाहिए? किसी को चीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, आप कहेंगे हमको तो दिखता नहीं, हमको आपको नहीं दिखता, तो हमारी नजर की कमी है। शास्त्र में लिखा है संतों को अनुभव होता है, भगवान शंकराचार्य जी ने अनुभव किया, हमारे गुरुदेव ने अनुभव किया, पूज्य बाबा जी जैसे महापुरुष अनुभव करते हैं, भक्त प्रहलाद ने तो खंभे के अंदर से भगवान को प्रकट कर दिया। हमको नहीं दिखाई देता तो हमको अपनी नजर ठीक करनी होगी, लेकिन संतों की बात पर भरोसा करके हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, जहां तक हो सके जानबूझ कर किसी का अपमान मत करना और जानबूझ करके किसी का हक मत छीनना। कितनी अच्छी व्यवहारिक शुद्धि, व्यवहारिक शुद्धि जीवन में, क्यों? सबके अंदर तुम्हारा ठाकुर विद्यमान है, भगवान विद्यमान है। तो यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति, और उसके क्या विशेषता है? ये तो हो गया तटस्थ लक्षण।